अंधेरे में क्या कर रहे हो नटवर? रोशनी में नोट अच्छी तरह दिखाई देंगे। थैंक यू। हमें मालूम था तुम यहाँ जरूर आओगे। मुझे भी मालूम था कि मेरे आने के बाद आप लोग भी यहाँ जरूर आएंगे। ये जानते हुए भी तुम यहाँ आ गए? क्या करूँ, मजबूरी है। आप लोगों से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। आप लोग अपने धंधे में मुझे लाख नजरअंदाज करें, मगर आपकी नजरें आपका अंदाज साफ बता देती हैं। ये रुपए तुम यहां से ले जा सकोगे? जी हाँ। आप लोग मुझे रोकेंगे थोड़ी ना? नहीं नहीं नहीं। और अगर आप लोग रोकेंगे भी तो मिस्टर अग्रवाल हैं, ये मेरी मदद करेंगे। अरे भाई, मैं इनका और इनकी अमीर पत्नी का बहुत पुराना दोस्त हूँ। और आपको शायद नहीं मालूम कि इनकी एक शादी गांव में भी हुई थी, और अगर किसी को पता चल गया तो ये बेचारे जेल पहुंच जाएंगे। क्यों अग्रवाल साहब? नहीं नहीं, ये तो मेरे दोस्त हैं, मेरी मदद करेंगे। और फिर अपने मल्होत्रा साहब, मेरे पुराने साथी हैं, बड़ा नाम है इनका, शहर के मशहूर आदमियों में आपका नाम शुमार होता है। आप तो शायद इलेक्शन में भी खड़े होने वाले हैं ना? हाँ। अरे भाई, छोटा मोटा काला धंधा और स्मगलिंग कर लेते हैं तो क्या हुआ? ये रास्ता सिर्फ मैं जानता हूँ ना, पुलिस तो नहीं जानती। अब आप ही बताइए, इनकी नजरों में मेरे लिए थोड़ी सी तो इज्जत होगी कि नहीं? हाँ नटवर, तुम ठीक कहते हो, इज्जत होगी क्यों नहीं। तुम हर चोर की कमजोरियां जानते हो, इसलिए तुम्हें रोकना नामुमकिन है। लेकिन नटवर, ये ना भूलो कि तुम भी एक चोर हो, और तुम हर काम इसलिए अंधेरे में करते हो कि कोई बोल ना सके। आज तुम भी नहीं बोल सकोगे, क्योंकि हम अंधेरा करते हैं।